हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टून कैपिटल। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमनी नॉट एलियंस के फुल डिटेल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेंटन रिबूट में जैसे हमें ओमनी अनहिंज्ड फॉर्म और ओमनी किक्स फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वैसे ही हमें एक नया फॉर्म ओमनी नॉट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और इस फॉर्म में ओमनी नॉट एलियंस हैं। ओमनी नॉट एलियंस की फर्स्ट अपीरियंस बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में हुई। ओमनी किक्स फॉर्म के अनलॉक होने से पहले बेंटन ने उस की को उल्टा डाल दिया था, जिसके वजह से सिर्फ एक ही फॉर्म अनलॉक हुआ, जो था ओमनी किक्स फॉर्म। पर उस की में दोनों फॉर्म थे, ओमनी किक्स फॉर्म और ओमनी नॉट फॉर्म। फिर फिल बिलिंग्स ने बहुत रिसर्च किया और बेन को बताया कि हमने उस की को उल्टा डाला है। तो फिल बिलिंग्स ने फिर से उस की को निकाला और फिर से सीधा डाल दिया, जिसकी वजह से ओमनी नॉट फॉर्म भी अनलॉक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट आर्मर के डिटेल्स के बारे में। ओमनी नॉट आर्मर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोटिक आर्मर है, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल आर्मर भी है, और इससे किसी भी एलियन की स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस आर्मर की मदद से किसी भी एलियन की ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस आर्मर की मदद से कोई भी एलियन बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और इस आर्मर की वजह से किसी भी एलियन की पावर कई गुना ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ओमनी नॉट आर्मर और ओमनी किक्स आर्मर दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग रोबोटिक आर्मर हैं, पर इन दोनों में एक अंतर है। ओमनी किक्स एलियंस मेनली लैंड पे सर्वाइव करने के लिए बनाए गए थे, पर ओमनी नॉट एलियंस स्पेशली स्पेस में सर्वाइव करने के लिए बनाए गए हैं। और अभी तक हमें सिर्फ 4 ओमनी नॉट एलियंस दिखाए गए हैं, जो हैं ओमनी नॉट जेटरे, ओमनी नॉट हीटब्लास्ट, ओमनी नॉट ह्यूमंगासॉर और ओमनी नॉट शॉकरॉक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट एलियंस के डिटेल्स के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट जेटरे के डिटेल्स की। ओमनी नॉट जेटरे बहुत ही आसानी से स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, और ये लाइट के स्पीड से भी तेज स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूरोशॉक ब्लास्ट भी कर सकता है, और इसके न्यू आर्मर की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और ये पोर्टल भी क्रिएट कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट ह्यूमंगासॉर के डिटेल्स की। ओमनी नॉट ह्यूमंगासॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपरसोनिक ब्लास्ट भी कर सकता है, और इसके न्यू आर्मर की वजह से पहले के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और पहले के मुकाबले इसकी मैक टेल भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है, और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट हीट ब्लास्ट के डिटेल्स की। ओमनी नॉट हीट ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फायर ब्लास्ट कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फायर रेज भी शूट कर सकता है, और इसके न्यू आर्मर की वजह से पहले के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ओमनी नॉट शॉकरॉक के डिटेल्स की। ओमनी नॉट शॉकरॉक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर सकता है, और इसके न्यू आर्मर की वजह से पहले के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी इलेक्ट्रिकल पावर पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये था
ओमनी नॉट एलियंस का फुल डिटेल। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।